सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सब आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 12 जीवनदायी वृक्ष, जो कि एक कविता है, में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ, उनका पद परिचय तथा वाक्य प्रयोग इस हिंदी शब्दकोश की सहायता से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निरंतर, निरंतर का अर्थ होता है बार बार तथा लगातार। निरंतर एक क्रिया शब्द है। निरंतर का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। करण निरंतर अपनी गलतियां दोहराता है। प्राणवायु, प्राणवायु का अर्थ होता है जीवन देने वाली हवा। यह एक संज्ञा शब्द है। प्राणवायु का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। वृक्षों से हमें प्राणवायु मिलती है। उपवन, उपवन का अर्थ होता है बगीचा या वाटिका। यह एक संज्ञा शब्द है, स्थानवाचक। उपवन का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। मेरे घर के बाहर एक सुंदर उपवन है। बाह, बाह का अर्थ होता है भुजा या बाजू। यह भी एक संज्ञा शब्द है। बाह का वाक्य प्रयोग देखते हैं। राजू अपनी माता की बाह पकड़कर चलता है। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा रचित है। इनका जन्म 1 दिसंबर 1916 रोहता गांव, जो कि आगरा में स्थित है, में हुआ था। वह हिंदी के साहित्यकार थे। उन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिससे वे बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। उनकी कविताएं आज भी बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल हैं। हर रचना से बाल मन आज भी प्रेरित होता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य के जीवन में पेड़ों का महत्व जल बिन मछली जैसा है। जैसे जल के बिना मछली नहीं जीवित रह सकती, उसी तरह हम मनुष्य भी पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पेड़ों से हमें छाया, मीठे फल, औषधि, लकड़ियां प्राप्त होती है। हम मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पौधे सोख लेते हैं। उसके साथ जल और सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निर्माण करते हैं। इस पाठ का उद्देश्य जानते हैं। विद्यार्थियों को हवा की उपयोगिता से अवगत कराना व बताना कि हमारा जीवन वृक्षों से ही संभव है। यदि वृक्ष ना हो तो हमारा जीवन संभव नहीं है। अब हम पाठ में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। छा, छा का अर्थ होता है छाया। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, यानी कि बार बार। शुद्ध तो आप सभी जानते हैं, शुद्ध का अर्थ होता है स्वच्छ, यानी कि साफ। मदद का अर्थ होता है सहायता। लहलहाते, यानी कि जब कोई चीज हवा से हिलती है उन्हें बोलते हैं लहलहाना, हवा से हिलते। प्राणवायु, यानी कि जीवन देने वाली हवा। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद
देते सभी को छा अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। यानी कि पेड़ खुद तो धूप सहकर हमें अपनी छाया देते हैं और मदद करने के लिए अपनी डालियों से हमें छाया देते हैं, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु शुद्ध सारी। बिल्कुल सही, यह बार बार हमारी गंदी हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें क्या देते हैं, प्राण वायु जो कि सबसे ज्यादा शुद्ध होती है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, यह हमें पेड़ों से ही मिलती है। पेड़ों की हवा को प्राण वायु क्यों कहा गया है? क्योंकि यह दो शब्दों से मिलता है, प्राण और वायु। यह हमें वो वायु प्रदान करते हैं जिनसे हमारे प्राण सुरक्षित हैं। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी है लहलहाते। बिल्कुल सही, हमारी धरती को सींचते यानी कि पानी देकर सींचना या बादलों को बुलाने का काम भी कौन करता है? वृक्ष ही करते हैं। खेतों में या उपवन में जल कब बरसता है? जब वृक्ष हवा से बादलों को लेकर आते हैं। और वन भी हमारे तभी लहलहाते हैं जब वृक्षों से हवा चलती है। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छा कैसी, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसी। यदि हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो हमें छाया कहाँ से मिलेगी? मदद करने को पेड़ों सी डालियां, मतलब पेड़ों की डालियां भी हमें नहीं मिलेगी जिनके नीचे हम छाया ले सकें। और लेने सांस भी फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी? प्राण वायु नहीं मिली तो जिंदगी कैसे चलेगी? बिल्कुल सही, यदि हम पेड़ों को काट देंगे और सांस लेने लगेंगे तो हमें प्राण वायु भी यानी कि ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, और प्राण वायु ही नहीं मिलेगी तो हमारी जिंदगी फिर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्योंकि प्राण वायु ऑक्सीजन एक ऐसी वायु है जिसकी वजह से हम जीवित हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, वृक्ष ज्यादा से ज्यादा वृक्ष हमें लगाने चाहिए। धन्यवाद।